तो भाई हमारी राइड हो चुकी है स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले हमारा स्टॉप है भाई शिव मूर्ति। तो भाई सबसे पहले हमारे शिव मूर्ति महादेव के मत्था टेकने के लिए, हर हर महादेव। तो भाई ये अपनी भाई सबसे पहले प्रथम भाई ये रहा टैनर, प्रथम भाई जी हंटर। तो भाई चलते हैं यहाँ से, हम सब हम जा रहे हैं दिल्ली, पाजी में मिलेंगे दिल्ली में। प्रथम भाई जय श्री राम। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं राइव चौक पेट्रोल पंप पे, प्रथम भाई और मैं। तो गाइस अभी हम फ्यूल डलवाने आए थे सबसे पहले। तो गाइस टाइम प्रथम भाई टाइम क्या हो रहा है, 5:30 तो गाइस 5:00 बज गए, 4 बजे का प्लान था कि हम गुड़गांव से निकल जाएंगे। तो गाइस जीरो भैया ने कर दिया, भैया कट पर फुल कर दो, ठीक है कट पर लगा दो। देखते हैं गाइस कितने का पेट्रोल आ जाएगा अपनी टेनआर में। तो गाइस बताओ टेनआर कैसी लग रही है, स्टॉक एग्जॉस्ट लग चुका है, बिल्कुल शांत हो चुकी है भाई एकदम। लग रहा है नहीं भाई, जहाँ से मैंने वॉशिंग कराई ना, अल्टीमेट वॉशिंग करी है भाई ने, दिल खुश कर दिया भाई, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नई बाइक लेके आया हूँ मैं। सो गाइस फुल टैंक करा लिया, 1370 रुपये का फ्यूल आया और अभी ट्रिप देख लो कितनी है, ऑडोमीटर की रीडिंग है 7441। तो वापस आएंगे उसके हिसाब से बताऊँ कितना फ्यूल टैंक लगा क्या लगा। गाइस आज है डेट 19 नवंबर 2023। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं सीधा मसूरी। तो अब सबसे पहले पाजी हमें दिल्ली मिलेंगे, हायाबुसा वाले पाजी सुखोई भाई। तो भाई सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, दिल्ली मोती बाग गुरुद्वारे पाजी खड़े हैं, उससे आगे जो रेड लाइट है उससे आगे हम खड़े हैं। तो गाइस जल्दी से अब हम मतलब थोड़ा लेट हो गए हैं, 5 बजे दिल्ली से निकला था, अब 5:30 बज गया, थोड़ा सा आधे घंटे लेट चल रहे हैं, तो कोई नहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। तो गाइस पाजी नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे यार तुमने लेट कर दिया ये वो। चलो कोई नहीं गाइस बाइक दिखाता हूँ आपको अपनी, पर टेनआर देखो क्या लग रही है पाजी साहब देखो। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं सबसे महंगे राइडर पाजी। ये सिस्टम कहाँ जा रहे हैं पाजी बताओ? भाई हम घूमने जा रहे हैं पहाड़ों पे, हिल्स कॉलिंग बेबी, हिल्स कॉलिंग। भाई अलग लेवल की फील आ रही है भाई, पाजी को थोड़ा वेट करा दिया बीच में ना, यार बैग गिर गया था पीछे, प्रथम के पीछे बैग बांधा था पाजी, बैग ही खुल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है। सो गाइस हमें जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से जाएंगे भाई। ब्लॉग को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत बढ़िया ब्लॉग, बहुत मजे आने वाले, सिस्टम हैंग कर दिए। पाजी कितने का फ्यूल है अभी? भाई अभी इसमें आ गया 1640। अच्छा जी, हाँ मेरे में 1370 ऐसा कुछ कहा है। सो गाइस अपनी बाइक से खड़ी हुई अलग लेवल की, मस्त मजा आ रहा है भाई। सुखोई भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, सुखोई भाई हमारे साथ है, हमारे को पूरा सब कुछ बताएंगे रास्ता वस्ता। प्रथम भाई, प्रथम भाई क्या हाल है, सिस्टम हैंग है? सो गाइस बाइक देख लो, बाइक खड़ी अपनी आज यहाँ पे टेनआर और इधर ये अपनी 400 उधर रॉयल एनफील्ड हंटर। Like the city, but I am tired of the same people, of the same things. I want to escape now to another place now, but with you, 'cause I don't want to be alone. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never. मेरे से 10-12 किलोमीटर आगे तो गाइस अभी बज रहे 7:30, तो बहुत लेट हो गए थे, हमारा प्लान था कि 5 बजे दिल्ली से निकल जाएंगे, तो फिर दिल्ली से निकलते ना 6:15 बज गए थे यार। तो गाइस अभी हम ना शीतल ग्रैंड जा रहे हैं, मतलब पहला स्टे मतलब पहला जो स्टॉप है हमारा शीतल ग्रैंड ही होगा। अब यहाँ से 20 किलोमीटर है शीतल ग्रैंड, 20 मिनट का रास्ता है भाई। हम ना हम जब आ रहे थे ना भाई, हम आ गए जब आ रहे थे, हमने मेरठ वाला एक्सप्रेस वे से नहीं आए क्योंकि वहाँ पुलिस का चलान उलान की दिक्कत थी। तो हम ना मोदी नगर होते हुए आए हैं, रात रेल स्टेशन होते हुए भाई, बहुत बेकार रास्ता था यार, दिमाग ख़राब हो गया, थर्ड क्लास रास्ता भाई। तो गाइस आपको बाइक दिखाता हूँ अपने, अभी हम हाईवे पे खड़े हैं अपनी भूसा जिंदा 400 टेनआर। प्रथम भाई अभी आगे सुसु करने गए हैं, तो उनकी बाइक आगे चली। अभी हम पहुंच चुके हैं शीतल ग्रैंड, ये पड़ता है खटोली में, और अभी बच चुके हैं 7:45 भाई। हमने कवर कर लिया लगभग 130 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया भाई, सिस्टम हैंग करते हुए भाई, बिल्कुल पता नहीं चल रहा यार इतना कवर हो गया भाई, इन बाइकों पर ना पता नहीं चलता, और बिल्कुल आराम आराम से आ रहे हैं 180, 90, 110 ऐसे। सब शीतल ग्रैंड भाई ये रहा, दिखाता हूँ आपको ये रहा। तो आपको ना अपनी गाड़ियाँ दिखाता हूँ, अपनी बाइक दिखाता हूँ भाई, खड़ी है तो भाई देखो वहाँ पर गाड़ी बजने लग रही है,
अपनी बाइक देखो यहाँ खड़ी है आराम से साइड में, चारों बाइक के आगे भाई। हाँ जी प्लेयर्स, क्या हाल है, कैसे करना है? सो गाइस यहाँ पे करने लगे थे ब्रेकफास्ट, वीडियो बनानी भूल गया हमेशा की तरह। जैसे पाजी ने कैमरा ऑन करा तब मेरे को याद आया भाई सैंडविच मंगाया था, सैंडविच बड़ा अल्टीमेट था चीज़ वाला, पाजी ने मंगाया इधर ऑमलेट। सो गाइस यहाँ पे आ गए थे पकौड़े, इधर पराठा, उधर पराठा, कॉफ़ी कॉफ़ी। Like the city, but I am tired of the same people. So guys, Cheetal Grand सब निकल रहे हैं, ब्रेक बाद एक बार कर लिया, चलते हैं जल्दी से। अब सीधा ही दोबारा जाके ब्रेक लगाएंगे, उससे पहले ब्रेक लगाएंगे, ठीक है भाई चलते हैं। Like the city, but I am tired of the same people. So guys, बाइक में फ्यूल ना बिल्कुल खत्म हो गया, नाम के बराबर बचा हुआ है इसमें 7689 चल गई है, और जब आए थे 74 कुछ थी, लगा लो 250 किलोमीटर चली है, अब देखते कितना फ्यूल आएगा। मैं आया थे 70 का, आ जाए भैया भाई। जैसे अभी दोबारा पहुँचे ना, बाइक में रिजर्व पे लगी थी बाइक, भाई सिस्टम हैंग हो गया, हमें लगा पेट्रोल नहीं मिलेगा बहुत आगे तक आ गए, फिर बाय चांस हमें पेट्रोल मिल गया एचपी का, ये राई वाला कोई जगह है डाल दो भैया, और हाँ चलो हो गया फुल हो गया। 1244 का आया भाई, पहले आया 1300 कुछ का, 250 किलोमीटर 270 किलोमीटर चली है। तो भाई जैसे अभी दोबारा पहुँचे ना भाई, बाइक ना रिजर्व में लगी यार, हमें लगा कि पेट्रोल पम्प मिल जाएगा थोड़ी आगे चले, पर पेट्रोल पंप भी नहीं आ रहा कोई भी, बड़ी मुश्किल से भाई एक पेट्रोल पंप मिला 10-15 किलोमीटर आगे, ऐसा लगता है भाई बिल्कुल टंकी का फ्यूल खत्म हो जाएगा इन बाइकों में भाई ना, फ्यूल पंप लोड दे देता है, फ्यूल पंप खराब हो जाता है। तो भाई हमने अभी फ्यूल करा लिया फुल, अभी आपको दिखा दूंगा पूरी सिस्टम। तो भाई ऋषिकेश हम जा रहे हैं, शायद फाटा के लिए बहुत जबरदस्त जाम लग रहा है, बड़ा जाम लग रहा है, फाटा क्या होगा आगे। चंबा 40 किलोमीटर है गया, पर भाई यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा है, और कान में ना भाई अजीब सा ही होने लग गया, कान चटकने लग गए अंदर से, अलग लेवल का सीन हो गया। धूप हो रही है भाई, गर्मी लग ऐसा लगा था कि बहुत ठंड होगी यहाँ पर अभी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप भाई, देखो भाई क्या बादल लग रहे हैं भाई, सो अल्टीमेट यार व्यू देखो आप, चारों तरफ का व्यू देखो, बाइक देखो भाई बाइक है, अपनी बाइक ही खड़ी भाई साहब, यार नेक्स्ट लेवल यार, अल्टीमेट सीन। सो गाइस व्यू देखो भाई, अभी ना यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है देखो, मिला यार कल यहाँ पे ना लोग आ गए फोटो खिंचवाने के लिए, मैं बोला गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चंबा की मेन मार्केट में, अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ कर्नाटक से, पाजी भी कुछ सामान ले रहे हैं मार्केट में से, एक तो दो बंजी कॉर्ड लिए, प्रथम भाई के पीछे बैग बांधने के लिए, पहले रस्सी लाए थे प्रथम भाई तो बैग टूट गया और गिर गया था, कंधे दुख गए प्रथम भाई, एक बार परेशान हो गए, यहाँ पे टैंक बैग लगाया बाइक पे, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया, नजर उतर गई क्या पता, कुछ बड़े से कुछ छोटे पे टंग गई। हाँ ये भी ठीक है, ऐसा दिल बड़ा होना चाहिए। भैया बच्चे मिले हमारे को, बाइक देखते ही पागल हो गए यार, आराम से बेटे भाई ने रेस दे दी, बाइक पूरी आगे भाग जाती। चैनल का नाम
गाइस हम कानाटाल पहुंच चुके हैं, अब 3 बज चुके हैं, पहुंचते 3 बज गए, पर ना इन बाइक को भाई बिल्कुल पता नहीं चला कब हम पहुंच गए। और भाई सिस्टम हैंग, मतलब इतनी पावरफुल मशीन है, बिल्कुल भी इन्होंने लोड नहीं लिया ऊपर चढ़ते पहाड़ पे। भाई हमने ना पहले अपना बुक करा दिया था स्टे यहाँ पे, कोस्मो कॉटेजेस है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। देखो भाई साहब, कोस्मो कॉटेजेस कानाटाल। सो भाई हमारे रूम ना ऊपर है, ऊपर वाले रूम लिए हैं, तो यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको सामने। और रूम देखो, हमारे होटल के बाहर से देखो रूम ये है, सॉरी व्यू ये है हमारे होटल के बाहर से व्यू ये आ रहा है। तो भाई बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी, रात को इन पर चद्दर डलवा देंगे ताकि किसी को पता ना चले यहाँ पे क्या खड़ा है। सो भाई चलते हैं, आपको रूम टूर वगैरह सब कुछ देता हूँ, सिस्टम हैंग करते हैं। पता भाई थक गए आते आते, बेड चाहिए, सोना है। तो गाइस हम फाइनली हम पहुंच चुके कानाटाल, कानाटाल ही है नहीं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके कानाटाल। भाई अभी पाजी ने जगह देखी थी, अपने पहले बुक करा के आए थे, तो अभी दिखाया तो आपको ये कॉटेज है हमारा। यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा है भाई, धूप आ रही है बहुत ज़बरदस्त। 3 बज रहे हैं भाई, सुबह के 4 बजे निकल के अब 3 बजे पहुँचे, पता नहीं हम क्या कर रहे थे, समझ नहीं आया क्या हो गया। ये आ गया प्रथम भाई, बाइक ना हमारी बाहर खड़ी है। भाई मैं कह रहा हूँ 2 घंटे बाद व्यू देखना आप। अच्छा हाँ, 1 लाख रुपए का व्यू है। ठीक है भाई, देखो रूम देखो, वॉशरूम देखते कैसा है। भाई ये वॉश रूम टूर है आपका। सो गाइस हमारी ना पार्किंग ना ओपन है, तो हमारी बाइक यहाँ खड़ी है, तो मतलब वैसी कोई दिक्कत नहीं, पर हमने ना बाइक कवर करा दी, तो पाजी की बूसा थोड़ी ओपन खड़ी थी, देखो बूसा पता ही चल रहा कौन सी बाइक कहाँ पे है। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं भाई, अल्टीमेट मौसम हो रहा है जहाँ पे हमने भाई स्टे लिया है ना, अल्टीमेट सीन है यहाँ का। देखो भाई पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है, अभी येलो हो जाएगा थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे पाजी बैठे हैं भाई, दोनों भाई बैठे हैं यहाँ पे ना, फुल वाइब ले रहे हैं, गाने वाने चला रखे थे, गाने बंद कर दिए ताकि ना कॉपीराइट वगैरह सिस्टम ना आए। सही बात है। तो गाइस अल्टीमेट सीन है, मतलब अभी इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं हम, इस व्लॉग पे ना 5 करोड़ लाइक चाहिए हमारे को। मतलब आप 5 लाइक डाल रहे हैं, 5 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गए, 50 लाइक तो हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे भाई, सिस्टम हैंग करना है।